आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कल 14 फरवरी को मतदान होगा। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। शनिवार तक 1477 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। वहीं आज बची हुई 10,222 पार्टियों को रवाना किया जाएगा। कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। राज्य के शहरी क्षेत्र के मतदान स्थलों पर आज शाम तक पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी। आपको बता दें कि राज्य में कुल 11,648 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय मिलाकर कुल 632 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 81,72,173 है। इस दौरान जय भारत टीवी ने विभिन्न मतदान स्थलों का दौरा कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तराखंड में दूसरे चरण के तहत कल मतदान होना है और इससे पहले कल 5 बजे मतदान का जो शोर था वो थम चुका था। इसके बाद जो चुनावी रैलियां थी उन पर रोक लग गई थी। आज आखिरी दिन है और कल प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला उत्तराखंड की जनता करेगी और ईवीएम में अपने फैसले को कैद कर देगी और 10 मार्च को मतगणना होगी, नतीजे उत्तराखंड के सामने आएंगे। इस वक्त हम रायपुर विधानसभा सीट पर हैं और एक मध्य स्थल पर इस समय हम मौजूद हैं, अजबपुर में। राजकीय जूनियर माध्यमिक विद्यालय ये है और आप देखिए कि यहीं पर कल एक मतदान स्थल होगा। हालांकि अभी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहां तक नहीं पहुंच पाई हैं क्योंकि ये शहर क्षेत्र की का मतदान स्थल है और यहां कुछ देर बाद पोलिंग पार्टियां पहुंचेंगी। जो दूरस्थ इलाके थे उत्तराखंड के, जहां जाने के लिए भी बद्रीनाथ जैसी विधानसभा, जहां जाने के लिए कुछ ऐसे गांव हैं जहां 1 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है, ये शहर क्षेत्र है, इसलिए आज दोपहर बाद इन तमाम शाम तक यहां पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी। आप देखेंगे इधर की तरफ ये विधानसभा 19 रायपुर विधानसभा सीट ये है और इसका ये जो मध्य स्थल है वो यहाँ बनाया गया है, जूनियर माध्यमिक ये विद्यालय है। कल सुबह ठीक 7 बजे से पोलिंग शुरू होगी और इसके लिए चूंकि इस बार कोरोना महामारी का खतरा है, कोरोना प्रोटोकॉल इस समय चल रहा है, तो कोशिश की जा रही है कि जो लोग मतदान के लिए कल यहाँ पहुँचेंगे उनको कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि नीचे जो सर्कल बनाए गए हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो मतदाता यहाँ आएंगे। दो कतारें यहाँ पर लगेंगी, एक महिला और दूसरी पुरुष, और उसके लिए गोल घेरे बनाए गए हैं ताकि दूरी बनी रहे और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा सके। कुल मिलाकर तैयारियाँ चल रही हैं। अभी इस तरह के कई और मतदान स्थल हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या तैयारी इलेक्शन कमीशन की चल रही है। कल सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान होना है। कोरोना के चलते कुछ समय बढ़ाया गया है और शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। अब जनता के फैसले की घड़ी आ गई है। कल रिजल्ट कैद हो जाएगा ईवीएम में और 10 तारीख को नतीजे सामने होंगे। उत्तराखंड में कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और इसकी तमाम जो तैयारियां हैं वो अब पूरी कर ली गई हैं। शहर क्षेत्र में जो पोलिंग पार्टियां हैं आज शाम तक पहुंच जाएंगी अपने अपने मतदान स्थल तक, लेकिन जो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके हैं जहां 1 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक पैदल जाना है पोलिंग पार्टियों को, वो कई दिन पहले वहां पहुंच चुकी हैं। अब इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कल जब जनता वोट करने आएगी वो किसके भाग्य का फैसला करती है। इस वक्त हम रायपुर विधानसभा में हैं। आप देखेंगे तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो स्टाफ है, जो कल यहां तमाम जो पोलिंग होगी उस वक्त जो काम किया जाएगा, जिन लोगों की तैनाती होनी है वो कर दिया गया है, तमाम लोग यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। कोरोना गाइडलाइन की लगातार हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर भी जो प्रोटोकॉल है वो कड़ाई से उसका पालन कराया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पहले ही इस बात को कह चुका है। यहाँ भी आप देखेंगे तमाम जो सर्कल हैं वो बना दिए गए हैं, गोल घेरे, इन्हीं गोल घेरों में लोगों को खड़ा रहना होगा जो मतदान के लिए जो लोग यहाँ पहुँचेंगे और अपनी अपनी बारी का इंतज़ार लोग करेंगे और मतदान करेंगे। लोकतंत्र का पर्व माना जाता है इलेक्शन और उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। कल सुबह 7 बजे से पोलिंग इन तमाम मतदान स्थलों में शुरू हो जाएगी। कैमरा प्रतीक के साथ हेमबर्ट, जय भारत टीवी।